मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली एट ऑल टेम्परेचर्स अबव. ऑप्शन वन 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन थ्री ए एंड बी यानी वन एंड टू बोथ, फोर इज नन ऑफ देम. सो बेसिकली मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली एट ऑल टेम्परेचर्स अबव 0 या फिर -273. सो ऑप्शन थ्री इज करेक्ट. शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज ऑप्शन वन फिल्ट्रेशन, ऑप्शन टू डिफ्यूजन, ऑप्शन थ्री एक्सोसाइटोसिस, ऑप्शन फोर एंडोसाइटोसिस. सो बेसिकली शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट इज डिफ्यूजन. ऑप्शन टू इज करेक्ट. डिफ्यूजन इज ऑलवेज डैश फ्रॉम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. सो डिफ्यूजन इज ऑलवेज टूवर्ड्स फ्रॉम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ऑप्शन वन मोज़ेक प्रोटीन्स, ऑप्शन टू पेरिफेरल प्रोटीन्स, ऑप्शन थ्री चैनल एंड कैरियर प्रोटीन्स, ऑप्शन फोर वन एंड टू बोथ. सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आर कैरियर एंड चैनल प्रोटीन्स. ऑप्शन थ्री इज करेक्ट. विच प्रोटीन्स आर ऑलवेज ओपन. ऑप्शन वन कैरियर प्रोटीन्स, टू ग्लाइकोप्रोटीन्स, थ्री चैनल प्रोटीन्स, फोर ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटीन्स. सो बेसिकली चैनल प्रोटीन्स आर ऑलवेज ओपन. ऑप्शन थ्री इज करेक्ट. विच मॉलिक्यूल कैन पास वाया देम. यहाँ पे बात हो रही है चैनल और कैरियर प्रोटीन्स की, जो कि विद द हेल्प ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स को मूव कराती हैं. सो फर्स्ट वन इज़ लार्ज हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, सेकंड वन इज स्मॉल हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स, थ्री वाटर, फोर बोथ वन एंड टू. सो बेसिकली फोर्थ वन इज करेक्ट. फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज टूवर्ड्स आर अवे फ्रॉम कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किस तरफ होती है? टूवर्ड्स कंसनट्रेशन ग्रेडियंट. कैरियर प्रोटीन्स मूव मॉलिक्यूल्स बाय. कैरियर प्रोटीन्स किस तरीके से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट में इन्वॉल्व होती हैं? ऑप्शन वन शेप चेंज करवा देती हैं, ऑप्शन टू मॉलिक्यूल्स उनके साथ अटैच हो जाते हैं, ऑप्शन थ्री हमेशा ओपन रहती हैं मॉलिक्यूल्स गुजरते रहते हैं, ऑप्शन फोर बोथ वन एंड टू. सो बेसिकली ऑप्शन फोर इज़ करेक्ट. कैरियर प्रोटीन्स के साथ मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, उसकी शेप चेंज हो जाती है कैरियर प्रोटीन की, और मॉलिक्यूल्स इनसाइड मूव कर जाते हैं या आउटसाइड जैसे भी उन्होंने मूव करना हो. इन हाइपरटोनिक डैश इज़ हाई इन वाटर. हाइपरटोनिक ये कैसा सोल्यूशन होता है जिसमें सेल जो होता है ना वो सिकुड़ जाता है, तो वाटर किस साइड पे ज़्यादा होगा? वाटर जो है वो सेल के बेसिकली कह लें अंदर ज़्यादा होगा, ठीक है, बाहर सोल्यूट ज़्यादा है तो वाटर जो है वो अंदर से बाहर की तरफ आएगा, ठीक हो गया. तो वाटर इनसाइड हाई होता है. हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक की कैसी कंडीशन है जिसमें सेल ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है, तो ब्रस्ट कैसे होगा? जब ज़्यादा वाटर अंदर चला जाएगा, यानी सल्यूट अंदर ज़्यादा है, पानी कम है, तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ चला जाएगा. सो बेसिकली हाइपोटोनिक आउटसाइड इज लो, सॉरी इनसाइड इज लो इन वाटर एंड आउटसाइड इज बेसिकली कह लें कि हाई है वाटर में, वाटर अंदर से बाहर से अंदर की तरफ जाएगा. सेल ब्रस्ट डैश इन डैश कंडीशन. ऑप्शन वन हाइपोटोनिक जिसमें सेल सिकुड़ जाता है, ऑप्शन टू हाइपोटोनिक, ऑप्शन थ्री आइसोटोनिक, ऑप्शन फोर ऑल ऑफ देम. सो बेसिकली सेल ब्रस्ट इन हाइपोटोनिक कंडीशन. ऑप्शन टू इज करेक्ट. रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन. ऑप्शन वन नंबर ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, ऑप्शन टू हाउ फास्ट दे मूव, ऑप्शन थ्री हाउ दे चेंज शेप, ऑप्शन फोर ऑल ऑफ देम, ऑल थ्री, ठीक है. तो इसमें बेसिकली ना रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कैरियर प्रोटीन्स के नंबर पे, और दूसरा किसी हद तक इन पे भी डिपेंड करता है कि हाउ फास्ट दे मूव. तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि बोथ ए एंड बी सिचुएशन के लिहाज से ना हम दोनों को कह सकते हैं, लेकिन चेंज शेप इसमें नहीं आता. फिल्ट्रेशन इज ओनली फॉर ऑप्शन वन लार्ज मॉलिक्यूल, ऑप्शन टू स्मॉल मॉलिक्यूल, ऑप्शन थ्री मीडियम मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन फोर ऑल मॉलिक्यूल्स. फिल्ट्रेशन इज ओनली फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स. ऑप्शन टू इज करेक्ट. मॉलिक्यूल्स मूव विद द हेल्प ऑफ डैश एटीपी हाइड्रोस्टेटिक एट कैरियर प्रोटीन्स. यहाँ पे फिल्ट्रेशन की बात हो रही है. फिल्ट्रेशन पे मॉलिक्यूल्स कैसे मूव करते हैं? विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोस्टेटिक एट. ऑप्शन टू इज करेक्ट. मूवमेंट ऑफ वाटर सॉरी वेस्ट इंटू किडनी बाय ब्लड वेसल्स इज द एग्जाम्पल ऑफ. ऑप्शन वन एक्सोसाइटोसिस, टू फिल्ट्रेशन, थ्री एंडोसाइटोसिस, फोर डिफ्यूजन. सो इट्स बेसिकली द एग्जाम्पल ऑफ फिल्ट्रेशन. एनर्जी इज यूज इन ऑप्शन वन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन थ्री एंडोसाइटोसिस. सो बेसिकली एनर्जी इज यूज इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट.
Active transport is always dash from concentration gradient towards or away. Active transport is always away from concentration gradient. यानी ये होती है एरिया ऑफ कह लें कि लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन, जहाँ पे पहले ही मटेरियल बहुत ज़्यादा है उसी की तरफ मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की. सोडियम पंप्स डैश सोडियम आयंस इन साइड द सेल. सॉरी, इसमें यह होना चाहिए कि सोडियम पंप जो है सोडियम आयंस आउटसाइड द सेल कितने वो पंप करता है. तो 3 सोडियम आउटसाइड पंप करते हैं और 2 पोटाशियम जो है वो इनसाइड जाते हैं. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. कैल्शियम पंप कीप्स कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन हाई किस साइड पे? ऑप्शन 1 इनसाइड, ऑप्शन 2 आउटसाइड, ऑप्शन 3 रिमेंस कांस्टेंट. यानी वो कांस्टेंट अमाउंट रखता है, ज़्यादा करता है आउटसाइड या इनसाइड ज़्यादा करता है. तो बेसिकली कैल्शियम पंप जो है वो कैल्शियम कंसनट्रेशन को आउटसाइड जो है वो ज़्यादा रखता है लाइक सोडियम. ठीक है, सोडियम पंप क्या करता है 3 सोडियम आयंस जो है वो बाहर की तरफ लाता है और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर की तरफ पंप करता है.